आज हम कच्ची दाबेली बनाएंगे। खजूर की चटनी पहले बनाएंगे। उसके लिए हमने 10 खजूर को आधा कप पानी डाल के कुकर में 2 सीटी तक कुक कर लिया है और पेस्ट बना लिया है और पेस्ट को छान लिया है। इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 3 टेबलस्पून कच्ची दाबेली मसाला लिया है। इसमें पानी डाल के पेस्ट बनाएंगे। वन फोर्थ कप पानी डाल के मसाला मिक्स कर लिया है। पैन में 2 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। 1 टीस्पून जीरा लाइटली भून लेंगे। 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट लाइटली सौते कर लेंगे। मसाला पेस्ट बनाई है वो डाल देंगे। फ्यू सेकंड सौते कर लेंगे। 1/2 कप खजूर की चटनी डालेंगे। हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर, 1.5 टी स्पून सॉल्ट डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। 500 ग्राम आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है। गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे। मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे। गरम पानी डालेंगे। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। थोड़ा और पानी डालेंगे। 3/4 कप पानी डाला है। मिश्रण थोड़ा लूज रखना है। आलू का स्टफिंग रेडी है। गैस ऑफ करते हैं। आलू के मिश्रण को एक डिश में निकाल लेंगे। स्प्रेड कर देंगे। ऊपर ग्रेटेड नारियल डालेंगे। मैंने सूखा नारियल लिया है। फ्रेश लेना चाहो तो वो भी ले सकते हैं। मसाला मूंगफली डालेंगे। अनार के दाने, हरा धनिया डालेंगे। दाबेली के लिए पाव लिया है, इसे बीच में से एक कट लगाएंगे। इस तरह से कट लगाएंगे। एक साइड पे लहसुन की चटनी लगाएंगे। दूसरी साइड पे मीठी चटनी लगाएंगे। खजूर इमली की चटनी, सूंठ चटनी है ये। सूंठ चटनी की रेसिपी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। दाबेली का मसाला अंदर रखेंगे। दो से 2.5 टेबलस्पून जितना मसाला रखेंगे अंदर। सींग डालेंगे, अनार डालेंगे, प्याज, ऊपर सेव डालेंगे, हरा धनिया। पाव को हम बटर में रोस्ट कर लेंगे। 1 टीस्पून बटर डालेंगे। पाव रखेंगे, लो फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे। टर्न कर लेंगे। थोड़ा बटर डालेंगे। पाव रोस्ट हो गया, इस तरह से दूसरा पाव भी बनाएंगे।